बार सविता ने मुझे जल्दी आने को कहा था, पर शराब तस्कर ब्रजपाल के चक्कर में रात के 10 बज गए। ना साड़ा ब्रजपाल हाथ लगा, ना सविता का बर्थडे केक। इसलिए छो में सो रही है मुंह फुला के। चलो कोई बात नहीं, इसे भी मनाऊंगा, मनाना तो पड़ेगा ही। ओहो, पूरी ब्रूस ली की फुप्पी हो रही है, एक लात में घेर दिया दरोगा नीचे। अभी की जरूरत थी आने की, चौकी में ही सो जाते। सविता, देख मेरी बात सुन, जो औरत अपने पति परमेश्वर पर हाथ ठावे ना, वो कभी मां नहीं बन सकती। ऐसी बद्दुआ क्यों दे रहे हो जी? ऐसा मैं ना कह रहा, बड़े बुड्ढे कह रहे थे। जब आपको पता था कि आज मेरा बर्थडे है तो थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे? आज भी देर से आए हो। अरे यार, मैं एक पुलिस वाला हूँ और पुलिस वालों की कुछ मजबूरी होवे, ड्यूटी के चक्कर में अपनी ब्यूटी के पास भी नहीं पहुंच पाते। ये लो जी आपका बर्थडे गिफ्ट। पता नहीं भैया जी कहाँ रह गए, अभी तक खाना ही नहीं खाया। हाँ यार, आ जाते दो दो पैक मार के, दो दो रोटी हम भी खा लेते आराम से अपने कमरे में लौटते जाके। और क्या, भाई जी राम राम। राम राम, बैठो बैठो। और सुनाओ जवानों, के हाल है थारे? बस कृपा भाई जी आपकी। बहुत बढ़िया, और इस पेटी में के ले आए भाई जी? इसमें भाई जी वही माल है जो अपने हरियाणा से मंगाया है। अरे वाह, ये नकली शराब तो बिल्कुल असली जैसी है। भैया जी, नकली दारू बेचने का आइडिया तो आपका कमाल का है, मन्ने भी टंपू आते ही सारा माल ठेकों पे ठिकाने पे लगवा दिया। अरे यू तो तन्ने बड़ा समझदारी का काम करा भाई जी। समझदारी का काम तो आपने किया है, दिन में पुलिस पर नाकाबंदी करवा दी और रात को माल उतरवा दिया। भाई मैं दो नंबरी आदमी हूँ, दो नंबर का धंधा करना जानता हूँ, और पुलिस का फुद्दू बनाना घना बेडिया आवे मेरे पे। माल तो मेरा मेरे पास आ गया, अब तो कल को उस दरोगा से निमटना है। अरे भैया जी, निमटना क्या, निमटा देंगे साले को। सुसु तो मैंने इसमें भर दिया, अब शेख जी को जगाती हूँ, हकीम के पास भेजती इसे लेके। शेख जी, ए शेख जी, उठो, सूरज सर पे आ गया, गधे की तरह सो रहे हो। उठ रहे हो या नहीं उठ रहे? उठ रहे हो या नहीं, या मुंह पे मारू चप्पल? अबे साली सब्बो की बच्ची, अब तेरे दिमाग में भैंस ने गोबर कर दिया क्या है, जो मुझे इतनी अच्छी नींद से जगा दिया। चली जा साली, नहीं तो भसरी पर लपाटे मार मार के ना भसरी का भटूरा सा बना दूंगा। अब जानती है साली शेख चली कितना खतरनाक आदमी है। सकल बाद में बिगाड़ना, पहले मेरी सुसु को लेके हकीम के पास जाओ और जांच करा के लाओ मेरे गुर्दे में पथरी है या नहीं। अबे ठीक है जा रही हूँ मैं, ला इधर दिखा बोतल। अबे ताजा ही करा ला, अबे हकीम की फीस तो दे ले। चल जा, जा रही हूँ मैं। है साली, आए,
गोले मार दें गोले, गोले पर धरा गोले मार दें गोले। अबे ओ लंगूर की सी शकल के बेवड़े, अबे तू मेरे दरवाजे के आगे क्यों पड़ा बे? भाई साहब शेख चिल्ली जी, रात दारू के नशे में मैं तेरे भरा गई गिर गया, मुझे माफ कर दे, मेरे पास गलती होगी। बे नशेड़ी, नशा तो तुझे अभी भी चढ़ा हुआ बे। लाओ रदी। अबे ये क्या कर दिया, ये तेरे काम की चीज नहीं है बेवड़े। अबे लाए मेरी बोतल वापस कर ला। अबे ओए देवदास का दारू के खेल ऐसा रिश्ता है जैसा जिज्जा शाली का होए। तू क्या करेगा इसका, ये तो मैं भी मां। अबे कमबख्त के बच्चे, तेरा हो जाए सत्यानाश। अबे इस पौवे को क्यों पी गया तू? भाई मजा आ गया पौवा पी के, अंग्रेजी दारू का तो टेस्ट ही अलग है। ऐसी लगी जैसी पहली धार की खींची हुई हो। नो बता कौन से ठेके पे मिलाया? बस साले नशेड़ी, मेरी शब्बों के पिसाब को दारू बता रिया। साले तेरी भसरी पर लपाटे मार मार के ना साले भसरी का भिलिया सा बना दूंगा। अब चला जा, पर जानता नहीं है शेख चिल्ली कितना खतरनाक आदमी है। इधर साले बैल का कुछ और है वो बाहर से कुछ और रे, अंदर से कुछ और है वो बाहर से कुछ और रे। दरोगा जी, ये कोई फास्ट फूड है जो इतना फास्ट खा रहे हो? मेरा नाम है सुनील राठी, मेरे पे न जाती धीरे धीरे प्लेट चाटी, मैं तो जो भी काम करूं फास्ट ही करूं। ओफो, आपसे तो बात करना ही मुश्किल है। क्यों, मैं कोई चाइनीज भाषा बोल लूं जो मेरे से बात करना मुश्किल है? ओहो तुम भी ना, मैं किसी दिन तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। आय हाय मेरी जाटनी, जब तू गुस्सा करे ना तो घनी प्यारी लगे। अरे परियों ने भी फेल करे तू मेरी। अरे सुखपाल जी। मैम तुमने नाश्ता कर लिया कि नहीं? पहले आप कर लो मैम नाश्ता, मैं बाद में कर लूंगा। अरे कर लिया करो पहले आप, क्या होता है। एसएचओ साहब का फोन है। हेलो जैन सर। मिस्टर राठी, तुम दरोगा हो या हलवाई? मेरी सूचना देने के बाद भी तुमसे वो नकली शराब नहीं पकड़ी गई? अरे सर मैं तो कल पूरे दिन नाकाबंदी करके बैठा रहा था, दारू का टम्पू तो क्या एक पौवा तक भी नहीं गया हमारे डूंगरपुर गांव में। अरे बेवकूफ, कल आधी रात के बाद नकली शराब गांव में आ चुकी है, मेरे पास पक्की सूचना है, तुम पूरा गांव छान मारो, शराब का टेम्पू बरामद करो, और अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें सस्पेंड कर दूंगी। ठीक है सर। क्या हुआ, नाश्ते में डांट खानी पड़ गई क्या? अरे यार यू जो हमारी एसएचओ साहब है ना, पाकिस्तान की ढाल, हमला करने की धमकी देती रहे वे। मुझे तो ऐसा लग रहा यू मुझे किस दिन सस्पेंड करके माननेगी। चलो भाई खा लिया हमने तो परामठे। अरे नाश्ता तो ठीक से कर जाओ। डांट खा के पेट भर गया, अब के कद्दू खाऊं? कोई बात नहीं मैं ही खा लेती हूँ। हाय रे जाटनी, जाटनी मेरी जाटनी, हाय रे जाटनी, जाटनी मेरी। बात में से दम कद मार तन फुक रही है, बात मर जाने की लगे निवे सुतरी, जित आड़ जाते गाड़ देवे लट सुरमा, हाय कह दुख
आज तो अल्लाह की कसम मजा ही आ जाएगा। पतरुआ, अरे यू मुझे देख के शेख चिल्ली ने क्या छुपाया? अरे उस एक चिल्ली के लुगारा पीठ पीछे। कुछ नहीं दरोगा जी, मैं तो कुछ भी नहीं। साले दरोगा से झूठ बोल रहा? साले तू कुछ ना कुछ जरूरी गैर कानूनी चीज ले रहा जो मुझे देख के छुपा रहा, दिखा के। नहीं कुछ नहीं दरोगा जी, साले भाग ले। अरे तेरी बहन का, साले रुक जा नहीं तो गोली मार दूंगा। गोली मत मारना दरोगा साहब, मरने से मुझे बहुत डर लगता है कसम खुदा की। मैं तो अपनी सब्बों के 6 बच्चों का इकलौता बाप हूँ, अभी तो मुझे 6 बच्चे और पैदा करने हैं। साले नू करा 6 बच्चे और पैदा करने हैं, जब ही तुम्हारे देश की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही। अगर ऐसे ही तुम बालकों की लाइन लगाते रहे तो हमारे देश में तो दोबारा मुगल शासन आ जाओगा। बता के ले रहा है इस हिस्से में? मुझे तो ऐसा लग रहा इसमें कुछ ना कुछ बम बनाने का सामान है। नहीं नहीं जनाब, आपको कोई गलत फहमी हो रही है, इसमें बम बनाने का सामान नहीं है। कसम सब्बों के गुस्से की, शेख चिल्ली कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ तेरी सिकल पे सच्चा होने का सर्टिफिकेट चिपक रहा, सच सच बता दे कि है इसमें। अब दरोगा साहब आपसे भी क्या झूठ बोलूंगा, इसमें शिलाजीत की गोली है। अरे शेख चिल्ली, तुझे क्या जरूरत पड़ेगी शिलाजीत की? दरोगा जी आजकल थोड़ी सी शरीर में कमजोरी सी आ गई है, सब्बो भी लात मारने लगी है। यह हकीम साहब से शिलाजीत लेके आया हूँ, इसे पीके में टार्जन बन जाऊंगा। मुझे पता तेरे शरीर में कौन सी कमजोरी आ रही, साढ़े सुधर जा, ज्यादा जनसंख्या मत बढ़ावे। आज के समय में छोटा परिवार ही सुखी परिवार हो। वाह जी वाह, तुम कौन होते हो मेरे परिवार को रोकने वाले? नहीं 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 नहीं, लग गया पता मैं कौन हूँ? लग गया? नहीं अभी नहीं लगा। लग गया पता जी, लग गया। तो फिर एक काम करो, ये सलाजी तुम ही रखो, तुम्हारा ही काम आ जाएगी। बता यू शेख चिल्ली भी बावड़ा ही है, बताओ मुझे क्या जरूरत है शिलाजीत की? गाँव में 12 में से जितनी भी मोटरें चोरी हुई हैं, तूने चुराई हैं। कर कबूल। अजी नहीं, मन्ने किसी किसान के मोटर नहीं चुराई। साले गाँव में जितनी भी मोटरसाइकिल चोरी हुई हैं, तूने चुराई हैं। कर कबूल। अजी नहीं, मन्ने नहीं चुराई बाइक, मन्ने नहीं चुराई। चकवंदी देवता पे औरतों की जितनी भी चैने चोरी हुई हैं, वो तूने चोरी की है। कर कबूल। अजी नहीं, मैं तो औरतों की बहुत इज्जत करूं जी, मन्ने उनकी चैन नहीं तोड़ी ना चुराई। लगता है साले ऐसे कबूल नहीं करेगा तू, इसे खुराक देनी पड़ेगी। अरे केसांग कर रहे थे यू चौकी में? सर इन्हें शांति जी को मुजरिम से गुनाह कबूल करवाने की ट्रेनिंग दे रहा था। अरे तुम्हें ट्रेनिंग की पड़ रही, यहाँ एसएचओ साहब का दबाव आ लिया। कैसा दबाव सर? जिस नकली शराब को पकड़ने के लिए हमने कल नाकाबंदी कर रखी थी, वो नकली शराब का टेम्पू गांव में आ चुका है। पता लगाओ वो किसका है और उसे कौन लाया है। अब सर हम गूगल मैप तो है नहीं, जो बटन दबाते पता लगा देंगे वो शराब किसकी है, कहाँ ही है। सर जी मेरे हिसाब से किसी शराबी से ही शराब का पता चल सके। तू ठीक कह रही है शांति। होशियार चंद जी, तुम बुधराम को लेकर जाओ और किसी शराबी को पकड़ के लाओ। आओ बुधराम जी मोटरसाइकिल निकालो। ठीक है जी चलो। शांति जी। सर जी टेंशन से मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तू थोड़ा सा तेल लगा मेरी मालिश कर दे। जी सर जी ला रही हूँ। आओ 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 किस्मत आजमाओ, 10 लगाओ 100 जीत के ले जाओ। आओ आओ आओ।
आओ आओ किस्मत आजमाओ, दस लगाओ सो जीत के ले जाओ। आओ आओ किस्मत आजमाओ, दस लगाओ सो जीत के ले जाओ। अरे बुधराम, इस मेरे सुसरे जुआरी को देखिए, कैसे चौड़े में ही दो नंबर का धंधा कर रहा है जुए का। हैं, डर भी ना रहा किससे? साला पुलिस की नाक के तले ही दो नंबर का धंधा कर रहा। इसकी हिम्मत तो देखो, पुलिस को देख के खड़ा भी नहीं हुआ। एक काम करनी चाहिए, उधर से अरेस्ट करेंगे। चलो अरेस्ट करेंगे। अरे ओ खलेऊ, तू जो यहाँ चौड़े में बैठ के लोगों को जुआ खेलने का निमंत्रण दे रहा, रुक के दे दे के बुला रहा, तुझे पता नहीं जुआ खेलना, जुआ खिलाना कानूनन अपराध है? अरे दीवान जी, इससे इतनी मीठी मीठी बात कर रहे हो तुम, थारी साड़ी लगा है यू? इसे साड़े को पकड़ के चौकी में ले चलो। यू हमें चकमा देगा, फरार हो जाएगा। पर दीवान जी, मुझे लगे तुम्हारी आंखों का तौर खत्म हो रहा दिखे, तभी तो तुम मेरे लॉटरी के काम को जुआ बता रहे हो। दीवान जी, ये तो एक खेल है, तुम भी खेल लो, अपनी किस्मत आजमा लो, के पता तुम भी लखपति बन जाओ। साले शिकारपुर के मान रहा मैं, भूतनी के धुप्पल प्यारा, चल चौकी चल, तुझे वहीं बनाऊंगा गैम्बलर। दीवान जी, क्यों बच्चे की जान लेने पे तुले हो? अब बात को रफा दफा करो, चाय पानी के पैसे ले लो। दीवान जी, मेरे हिसाब से तो ये ठीक कह रहा, यू गरीब आदमी है, इससे ले लो चाय पानी के पैसे और करण दो इसे धंधा, कमान दो। देख भाई बुधराम, तुझे तो पता ही है, रिश्वत देने वाले के मुंह पे मैं एक दर्जन रैप्टे मारूं, पर चल जब तू सिफारिश कर रहा, ले ले इससे चाय पानी के पैसे। लो जी, मेरे दौरे तो ये 10 का नोट पड़ा है, चाय की गैल दोनों एक एक क्रीम रोल खा लिए। लो जी, ये दीन ना रकम। अरे हराम के बीज, तुमने हमारे ईमान की इतनी कीमत लगाई, तुझे शर्म नहीं आई? साले रुपए लूंगा 1,000, तब होने दूंगा तुझे फरार। अरे दीवान जी, मेरे दौरे तो ये 10 का नोट है, लेते हो ले लो, वरना ऐसे भी वापसी छीन लूंगा मैं। अच्छा, होशियार चंद तो होशियारी कर रहा। बुधराम जी सर, इसकी तलाशी ले साले की। इसकी जेब में से लिकड़ा जी देसी का पौवा, अब बताओ इसका क्या करूं। अरे बुधराम, यू तो बहुत खतरनाक अपराधी है, ये तो साला जुआ खिलाने के साथ साथ में दारू की भी स्मगलिंग करता है, इसको तो अरेस्ट करना ही पड़ेगा। डाल इसके पैरों में हथकड़ी। पांव में लगाने वाली हथकड़ी कहां मेरे पे, मैं तो इसका कॉलर पकड़ सकूं। तो पकड़, देर क्यों कर रहा है? सुतरी बहन का हटो, परे को पूरा तेरी बहन के मार दिया। अरे मेरा मुंह के देख रहा, खड़ा हो ना। वाह, बड़ा हराम का बीज लगड़ा ये तो साला, बताओ साला पुलिस को चकमा देगा? अगर दोबारा मेरे हत्ते यू चढ़ गया तो इसका साले का सीधा एनकाउंटर ही करूंगा। कोई बात ना दीवान जी, बड़े बड़े गांव में छोटी मोटी घटना होती रहे, फिर कोई मुर्गा देखेंगे। ले भाई ले, तू भी ले। ले भाई ले 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 ले, आराम से खड़े रहो। ले भाई ले, तू भी ले। ले भाई ले, तू भी ले। लो लो लो, मौज लो बच्चों, ले मौज लो। ले भाई ले, तू भी ले। अरे बुधराम, यू के सांग है? यू आदमी इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहा? मुझे तो ऐसा लग रहा इसे गड्ढा हुआ खजाना मिल गया दिखे। पर इसकी हंसी खजाने वाली नहीं है, यू तो दाल में कुछ काला लग रहा, इसकी चल के इंक्वायरी करनी पड़ेगी। अरे के बात है भाई, के मिल गया तुझे जो इतनी जोर जोर से हंस रहा? अरे क्यों हंस रहा है इतनी जोर जोर से? बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। अब तू जल्दी बता दे, तू किस बात पर हंस रहा? अरे दीवान जी, आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम भी मेरी खुशी में शामिल हो जाओ, तुम भी हंसो। यू ठीक कह रहा बुधराम, इंसान को एक दूसरे का सुख दुख में साथ देना चाहिए,
ये भी हंसने को कह रहा तो हंस लेते हैं, मारा के बिगड़ रहा। ले भाई अब तो हमने भी तेरी खुशी सेलिब्रेट कर ली, अब तू बता तेरी खुशी का क्या राज है। दीवान जी मेरी खुशी का राज घना गहरा है, जिसके न आने से मैं बहुत दुखी था। मैं तो जी सुसाइड करने के लिए सोच रहा था, आज वो 8:20 पे आ गए, इसलिए मैं बहुत कुतूहल। भाई बुधराम। हाँ जी। इसकी बात मेरे तो कुछ पल्ले पड़ी नहीं, अगर तेरी कुछ समझ में आ गया हो तो तू मुझे भी समझा दे। दीवान जी मुझे तो कुछ ऐसा लगे इसकी घरवाली रूस के चली गई होगी अपने पीहर, उस गम में यू परेशान होगा, आज इसकी घरवाली आ गई तो यू उस खुशी में मजे ले रहा। क्यों भाई यही बात है ना? ना जी तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात ना है। अरे तो यू बात ना है तो फिर और के बात है, तेरी बहू को बड़कना हो गया के? ना जी ना यू बात भी ना है। अच्छा तो यू बात भी ना है, तो बेटे तेरी सरकारी नौकरी लग गई। ना जी यो बात भी ना है। अच्छा यो बात भी ना है, तो फिर तो बैठे तू बावड़ा हो लिया, ये बावड़े आदमी करें ऐसी हरकत जैसी तू कर रहा, तेरी बुद्धि होगी खराब। बेटे हर पागल आदमी यू ही कह, मैं पागल ना हूँ। बुधराम। हाँ जी। एक काम कर, इसे पकड़ के बाइक पे बैठा, इसे पागल खाने में भर्ती कराएंगे, ना तो इस ससुरा गांव में किसी की बहू बेटी को छेड़ेगा या सिर में किसी के ईंट मार के सिर फोड़ेगा किसी का। तुम ठीक कह रहे हो जी, चल रहा चल बाइक पे बैठ, तुझे पागल खाने छोड़ कम्मा। दीवान जी तुम्हारी वर्दी की कसम खा के कह रहा हूँ मैं पागल नहीं हूँ, मुझे अरेस्ट मत करो तुम। ठीक है छोड़ देंगे, पहले अपनी हंसी का असली राज बता। बता रहा हूँ सुनो, पिछले 10 दिनों से चल रहा था शादी का सीजन, और मैं बिना नोते के दावतें खाता फिर रहा था, मेरे पेट में हो रही थी जी कब्जी, 8 दिनों से मेरी लैटरिन नहीं आई, इसलिए मैं घना दुखी था। आज सुबह 8:20 में मेरी लैटरिन आई और मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मेरे पेट का सारा अड़ाया निकल गया, मैं इसलिए खुश हूँ। अरे मेरे ससुरे, तेरे घेंट में दे दू लाठी, तने हमारा कितना कीमती समय बर्बाद करा। बुधराम जी इसे मुर्गा बना के इसके पिछवाड़े में 4-5 ठोकर मार। मुर्गा बन। ना जी मैं मुर्गा तो बनू नहीं, हेलीकॉप्टर बन जाऊंगा। अच्छा हेलीकॉप्टर बनेगा, चल हेलीकॉप्टर बन जा। अरे दीवान जी यू तो हेलीकॉप्टर फुर हो गया, कितना बुरा जमाना आ गया, साले पुलिस को चकमा देगा भागने लगे लोग। यहाँ काटेंगे चलान। अरे बुधराम 2 मुर्गे तो हाथों से लिकट गए। बिल्कुल अब यहाँ किसी ना किसी का चलान काटेंगे जरूर, बाद में पकड़ेंगे उस शराबी को। अजी यहाँ ना कटे चलान पलान कुछ भी, हर अगर काटने को जी कर रहा है तो घास काट लो या भूड़ काट लो, मैं किसी पिछले गांव में दराती मांग कर लिया अम्मा। अरे बुधराम तू भी कोरा बुद्धू ही है। अरे मैं हवलदार होके घास काटूंगा, तने तो मैं घसचारा बना दिया यार। अजी जब मेरा नाम ही बुधराम है, जैसी मेरी बुद्धि वैसी मन ने तुम्हें सलाह दे दी। अपनी सलाह अपने दौर रख, नहीं तो साले दरोगा जी से कह के ऐसी जगह ट्रांसफर करवाऊंगा टट्टी धोने को भी पानी नहीं मिलेगा। अजी ऐसा जुलम मत करियो, फिर मैं कपड़ों से पूछता फिरूंगा। हाँ तो कुछ खर्चा पानी बनवा, चलान काट आज कितना किसका जरूर। अरे बुधराम देखिए यू कैडी में कौन आ रहा, यू तो कोई लोन जैसी लगे, चेकिंग करे इसकी, चलो आन दे। जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, पड़ी चढ़ाओगी के? हाँ अंकल जी, कैसे गाड़ी रोकी है आपने मेरी? हैं अंकल, अरे बुधराम तुझे कह रही अंकल। हैं? अभी तो मेरे दूध के भी दांत ना टूटे, अंकल कह रही। हाँ तू तो पिछले साल ही पैदा हुआ। ए मैडम फालतू की गाड़ बजाई करने का टाइम नहीं है हमारे दौर है, गाड़ी के कागज लिखाट के ला फटाफट। बात सुनो रे दोनों हवलदारों, तुम मेरी पावर नहीं जानते, मैं बड़े अधिकारी से बोलकर तुम दोनों की बेल्ट उतरवा दूंगी। कोई बात ना, हम बेल्ट की जगह नाड़ा बांध ले करेंगे।
पर चलान तो तेरा काटेंगे, कागज नहीं होंगे तो। कागज दिखा। कागज नहीं है मेरे पास एक भी, बताओ क्या करोगे मेरा? एक भी कागज नहीं है? फिर तो भाई तेरा चलान कटेगा पूरे 2000 का। 2000 का क्यों, पूरे 2,00,000 का कटो? जब हराम का ही खाना तो पेट भर के खाओ। अरे होशियार चंद जी, तुम इस लड़की की चेकिंग कर रहे हो या इसके साथ चैटिंग कर रहे हो? अरे यू लड़की ना है, लड़ाकू विमान है, यू चैटिंग का करने देगी हमें? यू तो हमारा जल्लूस लगाने को तैयार है। ओ दीवान जी, जो बात करनी है मुझसे कर। क्यों, तू कोई मेरी समझन लगा जो मैं तेरे से बात करूं? चलान कटवा और निकल अपने घर को। ऐसे कैसे निकल जाऊं? आज मैं तुम्हें अपनी लड़की होने की पावर दिखाऊंगी। तुमने जो आज मुझे बिना मतलब परेशान किया है ना, आज मैं तुम्हें नानी याद दिलाऊंगी। मैं तुम दोनों पे छेड़खानी का केस लगाऊंगी और तुम दोनों को जेल भिजवाऊंगी। दीवान जी, वैसे तो रजिया गुंडों में फंसे रहे, लेकिन आज तो रजिया ने गुंडे फंसा लिए। क्या बड़बड़ा रहे हो तुम दोनों? अभी फाड़ रही हूँ अपने कपड़े। अरे बोबा ऐसा मना करिए, बोबा ऐसा मना करिए, मैं तो तेरे बड़े भाई जैसा हूँ, तू मेरे से हाथ जुड़वा लेते, कैसा काम मत ना करे। मैं तेरा चलान थोड़ी काट रहा था, मजाक कर रहा था तेरे साथ। छोड़ दे छोड़ दे, इनकी तो मजाक करने की आदत है, ये तो दरोगा जी से भी मजाक कर ले, इन्हें काला बिजार समझ के माफ कर दो तुम। ये चेहरा गौर से देख लो, अगर मैं आज के बाद कहीं रास्ते में मिलूं ना तो मेरी गाड़ी मत रोक लेना। अरे दीवान जी, देखिए यू का ड्रामा। रोकी से रुक। अरे यू के ऑर्डर आ। ए भाई, चोर डकैत है ये आतंकवादी है, यू हेलमेट क्यों ओढ़ रखा? यू हेलमेट तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए ओढ़ रखा। अरे तुझे हेलमेट ओढ़ने की जरूरत पड़गी? तू कोई वाहन चला रहा? अजी मैं ना चला रहा, दुनिया तो चला रही। किसी ने टक्कर मार दी, मेरे हाथ पांव तोड़ दिए, शिकल तो बच जगी। ओ बिना गाड़ी का ड्राइवर, अपनी गाड़ी के कागज दिखा, प्रदूषण दिखा, इंश्योरेंस दिखा और डीएल दिखा। अजी दीवान जी, जब मेरे धरा मोटरसाइकिल नहीं, कागज का एक दिखाऊं? ओ झोटे कैसी थूत के प्राणी, हवलदार होशियार चंद से होशियारी मत ना कर, नहीं तो तेरा डबल चलान काट दूंगा। होशियार चंद जी, जब यू हेलमेट ओढ़ रहा है तो बाइक तो इस पर जरूर होगी, यहां ना आया तो घर होगी, इसकी चेकिंग तो बनती है। अजी दीवान जी, कौन से कानून में लिखा कि हेलमेट ओढ़ के पैदल चलने वाले आदमी को भी अपने कागज दिखाने पड़ेंगे? अरे ओ भेड़ के मामा, हमें कानून मत ना सिखा, जल्दी बता दे तेरी बाइक कहाँ है। होशियार चंद की जो आंख है ना, ये गिद्ध की आंख है बिल्कुल। मुझे पता है, जरूर तने चलान से बचने की खातर उस बाइक को अपने घरों खड़ी कर रखी है। चलान तो तेरा बेटे बनेगा, ऐसे तुझे बख्शने वाले है नहीं हम। अजी हद होगी, आप कैसे पुलिस वाले जो जबरदस्ती मेरा चलान काट रहे? अरे तो सुकरमान, हम तेरा चलान ही काट रहे, नहीं तो कानून के हिसाब से तेरे पे देशद्रोह का मुकदमा बने। हैं? देशद्रोह का मुकदमा जी? वो क्यों जी? इस बात को तो दीवान जी बताऊंगे, होशियार चंद जी। अरे उल्लू के अंडे, तू सड़क पे पैदल चल के सरकारी अर्थव्यवस्था को खराब कर रहा है। वो कैसे जी? अरे बावड़े, जब तू पैदल चलेगा सड़क पे, बाइक नहीं चलावेगा तो बाइक में तेल भी नहीं डलवाओगा, पेट्रोल पंप वाले का नुकसान, दो चार चलान नहीं कटवाएगा, पुलिस वालों का नुकसान, दो चार एक्सीडेंट नहीं करेगा वो अलग नुकसान, तू एक्सीडेंट नहीं करेगा तो डॉक्टरों की फीस कहाँ से आवेगी, मेडिकल स्टोर वालों की दवाई कैसे बिकेगी, और अगर किसी कारण मरीज मर गया तो एम्बुलेंस वाला अंतिम क्रिया करने के लिए उसमें लेके जाओगा, उसकी फीस कहां से आवेगी। अब ये सारे मिलके जो है अपनी कमाई का टैक्स सरकार को देवे हैं, तो जब सरकार चलती है। अब तू बन रहा घना चलाक, बाइक ही ना चला रहा, जब तू बाइक नहीं चलावेगा तो वे काम सारे कैसे होंगे जो मैंने तुझे अभी गिनवाए, और जब ये सारे काम नहीं होंगे तो सरकार को टैक्स कहां से जाएगा, और जब सरकार को टैक्स नहीं जाएगा तो सरकार चलेगी कैसे, सरकार तो दिवालिया हो जाएगी ना। तो सरकार को दिवालिया घोषित करने के जुर्म में तेरे पे जो है देशद्रोह का मुकदमा बन जाओगा, आई कानून की कुछ बारीकी समझ में? अरे यार क्यों तू अपना टाइम खराब कर रहा, क्यों महरा कर रहा?
झेड़ पेड़ 500 का नोट लिकाड़ और अपने घर को क्यों ना जाता। अजी ऐसी तैसी थरे चलान की, तम पे रोक का जावे तो रोक लो यार, तो चला है। अरे कहां गया दीवान जी, यू तो ऐसा गया जा गधे के सिर पे था सींग। साला आज का दिन ही खराब है। चल यार, जो दरोगा जी ने काम बताया उसे करेंगे। स्टार्ट कर मोटरसाइकिल। अरे मेरे प्यारे पौवे, तू भी मेरे से नाराज है के? हैं? तू भी खली हो गया? इब तू नू बता मैं के पीऊं, मैं कहां जाऊं? तुम शोर मचने दिखे ना, बिल्कुल खली। अरे मेरे, अरे भाई साहब सुनियो यार, मुझे एक पौवा पिला दे, ऊपर वाला तेरा भला करेगा। यार एक बात सोच, भीख मांगते दारू पीते तुझे शर्म ना आती? अरे पीनी है तो अपने पैसों की पी। बात तो तुम ठीक कह रहे भाई साहब, पर मेरे पे पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं दारू? तू एक काम कर। क्या? साली अपनी एक किडनी बेच दे और पेटियों का ढेर लग जाएगा डेली पी। यार भी बात ठीक कह रहे हो भाई साहब, इब मैं अपनी एक किडनी बेचूंगा, छक्का दारू पीऊंगा। बहुत बढ़िया, अब किडनी बेचूंगा और पौवा पीऊंगा, मजा आ जाएगा। अरे रोकिए रोकिए रोकिए, क्या हो गया? अरे बुधराम, जिसे हम ढूंढते फिर रहे थे गली गली, वो चीज तो हमें यहाँ के मिली। चलो तो इसे ले चलेंगे दरोगा जी के पास, वो ही करेंगे कुछ बात इससे खास। अरे उस रब्बी मारी गेल चौकी चल, तू दरोगा जी ने बुलाया। ऐसा है दीवान जी, इस वक्त मेरे पास समय नहीं है। समय नहीं है क्यों, क्या बात है? मुझे अपनी किडनी बेचने जाना है। अरे वो ज्यादा नखरे मत दिखावे, मारी गेल चल। दरोगा जी ने तेल और रम की बोतल मंगा रखी तुझे पियाने को। जब दरोगा जी ने मेरी खतर बोतल मंगा रखी तो किडनी बेचने का प्रोग्राम कैंसिल। चल चल बैठो बाइक पे, हमारी गल चल। चलो चलो दीवान जी, भाई दीवान जी 120 की स्पीड से चलो और मुझे दरोगा जी की धरी हुई बोतल के धोरे पहुंचा दो। चलो इब क्यों खड़े, ये तो अपने आप आते रहेंगे। अरे शांति, क्या तुम मालिश करना नहीं जानती? टाइट टाइट हाथों से कर, जो मेरे दिमाग का दर्द छुमंतर हो जा। सर जी मुझे एक बात बताओ, आपके पास दिमाग तो है नहीं, तो दर्द कहाँ से हो गया? तू फालतू की बकवास मत करे, चुपचाप मालिश कर ले। सर जी आपकी मालिश चमत्कारी तेल से कर दूं? मेरे पास एक चमत्कारी तेल है जो 36 जड़ी बूटियों से बना हुआ है, और मैंने उसको एक तांत्रिक से छीना था और उसका आज तक इस्तेमाल भी नहीं किया है। उसे तो मेरे ऊपर इस्तेमाल करके देख, मैं देखूं कितना चमत्कार दिखाऊंगा वो तेल। सर जी मैं एक मिनट में लेके आती हूँ। अरे शांति जी। सर यू के कर दिया तन्ने, यू तो तेरा तेल बड़ा खतरनाक है। ऐसा क्या हो गया सर? शांति तन्ने तो मेरे पे जादू सा कर दिया, मेरे दिल में बजन लग गया गिटार, अब मुझे तेरे से हो गया प्यार। सर जी ज्यादा भावनाओं में मत बहो, यही चौकी में रहो। अब तो कुछ मत बोल मेरी हौलदारनी, अब मेरा मूड रोमांटिक हो गया, आजा थोड़ा सा रोमांस कर ले। सर जी कोई देख लेगा आप क्या कर रहे हो? अरे देख लेगा, देख लेने दे सुसरे को, जब प्यार गया तो डरना क्या। शांति आई लव यू। सच्ची? हाँ आई लव यू टू। जाऊंगा छाया सर जी, किसे सर जी, सर जी, क्या हो गया? अरे यार शांति, मैं तो तुझे लेकर यार प्यार की वादियों में घूम रहा था, रोमांस कर रहा था। सर जी क्यों मजाक कर रहे हो? हाय यार साड़ा पर मजा आ रहा था। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को।
लो दरोगा जी ले आए हमें एक शराब भी पकड़ के बताओ क्या करना। करना करना क्या है, सब मिलके थोड़ा थोड़ा दान कर दो, मेरी खातर एक एक पौवा दे दो। चुपका मर जा, गधे नहीं नहीं पता तुझे सामने दरोगा जी बैठे। सॉरी सॉरी दरोगा जी, राम राम, आई लव यू। अरे तू रोज दारू पीवे के, उस दिन भी नशे में धुत पड़ा था, राज भी पी रखी है। दरोगा जी मैं तो खानदानी दारूबाज हूँ, बेवड़ा हूँ, मेरा बाप दादा परदादा सगड़ दादा लकड़ दादा पकड़ दादा शक। बस बस रहने दे, अपना इतिहास मत गिनवावे। मुझे तो नू बता, कल रात हरियाणा से एक नकली दारू का टेम्पो आया था, वो किसने मंगवाया और कहाँ है? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। अरे मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बतावेगा? पहले तुम मेरा मूड बनाओ, एक पौवा पियाओ, फिर बताऊंगा। दरोगा जी ये तो सुसरा पुलिस से रिश्वत मांग रहा। होशियार चंद तू भी बिल्कुल पागल है, तुझे नू नहीं पता जब अपना काम लिकड़वाना पड़े तो गधे को बाप बनाना पड़े। ला कह देते से कहीं से पौवा। बस कहीं से के लाऊंगा, आज एक जुआरी से छीनना था मन्ने, मैं सोच रहा था सांझ को मूड बनाऊंगा, ले मेरे सुसरे तू डकार इसे। यार दीवान जी तुम वहां मुझे झूठ बोल कर लाए हो, नु कहते वहां रम की बोतल धरी, पर कोई बात नहीं, मैं से रंगीली अब होगी मेरी आत्मा गीली। मेरी आत्मा गीली। भाई दीवान जी एक काम और कर दो, मेरी खातर चारक उबले हुए अंडे और मंगवा दो। हाँ साले मारा रिश्तेदार है तू तो, तेरे लिए उबले हुए अंडे और नमकीन मंगम्मा, और चलती फिर तुझे 100 रुपए और देम्मा विदाई के नाम के। ओए चुपचाप दरोगा जी को सूचना दे दे दारू के टम्पू की, नहीं तो तेरा एनकाउंटर कर देंगे हम, समझा? बता रहा हूँ दरोगा जी, तुम एक काम करो, अपनी चौकी से जिस टाइम बाहर को निकलोगे ना तो पहले उल्टे हाथ को मुड़ियो, फिर सीधे हाथ को मुड़ियो, फिर सीधे 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 चलते जियो चलते जियो चलते जियो चलते। अरे गधे के बच्चे, ऐसे सीधा चलता चलता मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच जाऊंगा। नहीं बॉर्डर पे नहीं जाना है, 12 पे जाना है। 12 पे? हाँ। अच्छा तो 12 पे खड़ा दारू का टम्पू? नहीं टम्पू 12 पे नहीं खड़ा है, आपको 12 से सीधे हाथ को मुड़ना है और फिर सीधा चलते जियो चलते जियो चलते जियो चलते जियो अरे नशेड़ी के बीच हमें नू बता सीधा चल चल के हमें पहुंचना कहाँ है? आप पहुंचोगे घसीटा के बाग में। अच्छा तो बाग में छुपा रखा हो टम्पू? नहीं बिल्कुल नहीं, बाग में टम्पू नहीं है। तो फिर बाग में क्या है? बाग में है एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़, उसके नीचे एक छोटा सा भैरव बाबा का मंदिर है। मैं उस भैरव बाबा की कसम खा कर कह रहा हूँ, मुझे दारू के टम्पू के बारे में कुछ नहीं पता है। अरे बुद्धराम होशियार चंद, इस साड़े को उठा के और चौकी से बाहर फेंक के हो। चल साले चल, अजी छोड़ दो अजी छोड़ दो, गलती हो गई, दरोगा जी छोड़ दो अजी छोड़ दो छोड़ दो, मारोगे क्या दरोगा जी, यहाँ कहाँ ले जा रहे हैं मुझे, यहाँ पड़ साले। अरे मेरे ससुरो सरसों में घेर दिया, माँ भी एक पौवा तो डकैर ही गया था रा। बोर किसी को पास हुआ, चलो शांति कैसे कैसे नमूने इस गांव में। साहब देखो होशियार सिंह की दारू भी पी गया और कुछ बता के भी नहीं गया, कैसा बेवड़ा है ये साला। शांति बस एक बेर मुझे कोई न्यू बता दे, वो टम्पू है कहाँ, फिर मन ने जानी या उस टम्पू मंगाने वाले ने जानी। दरोगा जी मुझे पक्का यकीन है ये नकली शराब की गाड़ी मंगवाने वाला कोई ना कोई आदमी ही है। हे सूचना मती देवी, कृपा करके अपनी सूचना को अपने पास रख, मेरा दिमाग वैसे खराब हो रहा और खराब मत करे। दरोगा जी उस बेवड़े को तुम फेंक आए, अब बताओ कहाँ छापा मारना। छापा किस पे मारना है मुझे अच्छी तरह पता है, नकली शराब की तस्करी ब्रजपाल के अलावा कोई नहीं कर सकता, वही सारा नकली शराब बेचने की प्लानिंग कर रहा था। सर जब सारी बात का आपको पता है तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते? भेजो साले को जेल। वो साला पहुंच वाला आदमी है, बगैर सबूत के उस पर हाथ गिरने से वो चौकस हो जाओगा। आप कहाँ जा रहे हो सर?
ब्रजपाल की नकली दारू का सुराग निकालना थारे बस की बात ना है। अरे होशियार सिंह जी, दरोगा जी तो अकेले चले गए और उन्हें कुछ हो गया फिर? आप चिंता मत करो मैडम, आओ हम भी साथ चलेंगे। हाँ, चलो, चलो। हाँ भाई, तन्नराज ब्रह्मपाल का टेम्पो देखा दारू का जाता हुआ? नहीं साहब, मैंने तो नहीं देखा कोई भी टेम्पो। एक चिल्ली के बच्चे कैसा स्वच्छता अभियान का उल्लंघन कर रहा? सार्वजनिक स्थान पर सोच करने के जुर्म में तुझे जेल भेज दूंगा। ना ना हुजूर, मुझे जेल मत भेजना। अरे बताओगा भी कुछ, रो क्यों रहा है जनाब? ना तो आप मुझे एनआरसी का विरोध करने देते हो, ना ही मुझे तलाक देने देते हो, ना ही मुझे बच्चे पैदा करने देते हो, और ना ही मुझे पेशाब करने देते हो। आखिर आप मुझसे चाहते क्या हो? चल तुझे पता तो एक जानकारी दे, कल रात हरियाणा से एक दारू का टम्पू इस कॉलोनी में आया था, उसका साले का पता नहीं लग रहा। तुझे कुछ पता हो तो उसकी जानकारी दे। जनाब आप ठीक कह रही हो, मेरे घर के सामने से रात को एक टम्पू जरूर गुजरा था और उसमें ब्रजपाल का आदमी बैठा था, वो जरूर ब्रजपाल के घर ही गया होगा। तन्ने उस टम्पू में ब्रजपाल के आदमी को अपनी आंखों से देखा था? कसम सब्बो के गुस्से की जनाब, जिस टाइम वो मेरे घर के सामने से गुजरा था, मैं अपने घर के सामने बैठा हुआ सुसु कर रहा था। चलो एक गवाह तो मिला ब्रजपाल के खिलाफ, अब करता हूँ ब्रजपाल की हवा टाइट। लगता है दरोगा जी मुझसे बहुत खुश हो गए, अब खुल के पेशाब करूंगा। अरे ब्रजपाल यहाँ कैसे? अरे ब्रजपाल, मैं तो तुझे अरेस्ट करने तेरे घर जा रहा था, तू तो यहीं मिल गया। तन्ने तो मेरी बाइक का पेट्रोल भी बचा दिया। लेकिन आज तू नहीं बचेगा दरोगा। मेरा नाम है सुनील राठी, तेरे जैसों के पिछवाड़े में मैंने बहुत दी लाठी। कौन मारेगा मुझे? तू मारेगा? नहीं, मेरे आदमी। कहाँ है? ओहो, मेरे स्वागत में सारी बराती बुला ली। तम के खड़े खड़े इसके शिकल देख रहे हो, फोड़ दो साले को। एक मिनट रुक जाओ भाई, पहले आपस में तम सलाह कर लो कि कौन सबसे ज्यादा पिटना चाहे, तो वो आज्ञा हो, बाकी सब तमाशा देखो। तू पिटेगा हमें, तेरे जैसे कई दरोगाओं की खल में घुस भर रखा हमने। अच्छा ऐसी बात है, यहाँ छोड़े से मैं गुआ आज्ञा, फाइट करने का मजा यही तो आओगा। Yeah!
भाग गया पुलिस, भाग ले भाई। हम जाओ साड़ो, कहाँ भागो? साड़े, तू मेरे मना करने के बाद भी मेरे इलाके में नकली दारू का धंधा करेगा, यानी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करेगा। दरोगा छोड़ दे मुझे, तुझे मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है, मैं तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। ओए, ये वर्दी कानून की दी हुई है, तेरे बाप की जागीर नहीं है। अरे दरोगा जी, तुमने तो अकेले ही सारे बदमाश फिट कर दिए, अब हम क्या करेंगे? तुम इस साले को ले जाकर चौकी में बंद करो। ओके सर। और सर मैं? तुम मेरे साथ राउंड पे चलो। चल बे। चल बे। बैठ। चल। बैठ। बैठ। चल बे। बैठ। बैठ यहाँ चल। बैठ। और बता देंगे। मिस्टर राठी, नकली शराब बरामद हुई कि नहीं हुई? मैडम नकली शराब बरामद तो नहीं हुई, लेकिन मैंने दारू तस्कर को अरेस्ट कर लिया है। वेल डन, गुड जॉब। मैडम अब इस दारू तस्कर का क्या करना है? फिलहाल इसको हवालात ले जाकर बंद कर दो, कल इसको जेल भेज दिया जाएगा। और सुनो जी, ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहो, जल्दी तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। कौन करेगा, कौन करेगा इस मेरे इस साथे बाड़े की? कौन करेगा इस मेरे इस साथे बाड़े की? या दुनिया मुड़ मुड़ के न देखे वा गई बुलट फलाने की? या दुनिया मुड़ मुड़ के न देखे? अरे शांति, जो मैंने ऐसे ही घड़े के सुलटा दिए फटाफट। हाँ जी, तो मेरा तो बहुत जल्दी प्रमोशन हो जाओगा। सही बात है सर, सही बात मैं है। मैं तो सच्चो बन जाऊंगा। अरे दरोगा जी, अरे मुझे तो ले जाओ दरोगा जी। ऐ शांति, जब तेरा ब्याह हो जाओगा तो तू भी अपने पति पे ऐसी शक करेगी जैसे मेरी बहू करे मेरे पे। शांति बोलती क्यों ना? अरे शांति कहाँ गई? अरे शांति, तू यहाँ कैसे बैठ गई? अरे सर मैं बैठी कहाँ हूँ, आपने मुझे बाइक से गिरा दिया, मैं आवाज लगा रही तुम सुनी ना रे। चल कोई बात ना, खड़ी हो जा। चल बैठ। नहीं पकड़ के बैठ जा आपके। अरे सही से पकड़ ले, फिर गिर जाओगी। आज मुझे यकीन हो गया, ये दोनों मेरी आंखों में धूल झोंक के नैन मटक्का कर रहे हैं। और इसे देखो मेरी सौक को कैसे अपने खसम की कौड़ी भर के बैठी है। आज तू घर आ जा राठी, मन्ने भी ना बजाई तेरा लाठी, तो मेरा भी नाम सविता नहीं। हाँ, मेरा बलमा बड़ा रंगीन, मेरा बलमा बड़ा रंगीन, मेरा बलमा बड़ा रंगीन, मेरा बलमा बड़ा रंगीन। अरे सर आप तो राउंड मारने आए थे, आप अपने घर कैसे आ गए? अरे यार राउंड मारते मारते भूख लगन लगी थी, तो सोचा घर चल के नाश्ता पानी कर लूं। आ चल तू मेरी गल तू भी कर ले। आ चल। हे
अरे सविता, तू कैसे परे को मुंह फुला के बैठ गई? अरे घर में कोई मेहमान आया है, ना चाय की पूछ रही ना पानी की। राठी जी, आखिरकार आप बाज नहीं आए अपनी आशिकी से? मेरी आंखों में धूल झोंक के इस गंठों को लेके बाइक पे घूम रहे हो? अच्छा तो इस बात पे मुंह फुला रखा तन्ने? अरे मेरी नखरीली जाटनी, आज हमने दारू तस्करों पर छप्पा मारा था। राठी जी, अब मैं तुम्हारी पट्टी पढ़ने वाली ना हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें बाइक पे घूमते हुए चिपक के। मैंने अपने दोनों सिपाही उस तस्कर को लेकर चौकी भेज दिए थे और मैं शांति को बाइक पे बैठा के राउंड मारने आ गया था, और तन्ने हमें उसी टाइम कहीं देख लिया होगा, है ना शांति? ऐसा ही है ना? हाँ जी हाँ जी, ऐसा ही है। ए लंका, तू घनी सफाई मत दे मुझे। जैसे तू दरोगा जी की कौड़ी भर के बैठी, ऐसे कौन बैठे है? प्रेमिका ही बैठे है ना। अरे मेरी प्यारी गुस्सेल जाटनी, तू बात की सच्चाई जाने बिगारी गुस्सा कर रही। मुझे सब पता चल चुका है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। राठी जी, अब मैं तुम्हारे साथ एक मिनट नहीं रह सकती, इसी से ही कर लियो कोर्ट मैरिज। अरे मेरी प्यारी पत्नी, कई बार आंखों देख की बात भी झूठी हो जावे। जो तने शांति को मेरी कोड़ी भरे देखा था ना, उसका एक कारण था। ले मैं तुझे सारी बात समझाता हूँ। बस यू कारण था जो यू मेरी कोड़ी भर के बैठी थी। अगर हमारे बीच में कुछ ऐसा वैसा होता तो क्या मैं इसे घर लाने की हिम्मत कर लेता? तू ही सोच के बता। राठी जी, मुझे आपकी बातों पे भरोसा सा नहीं हो रहा। अच्छा चल तू बता, मैं तुझे कैसे भरोसा दूँ? तुम मेरे सामने शांति को अपनी बहन बनाओ और इससे अपने हाथ पे राखी बंधवाओ। क्या हुआ, कैसा चुप्पी साध ली? जब तुम दोनों में प्यार मोहब्बत का रिश्ता ना है तो भाई बहन वाला रिश्ता बनाने में क्या दिक्कत है? हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, शांति आज से मेरी बहन है। तू जब राखी का धक्का लेकर, मैं इससे अभी अपने हाथ पर राखी बंधवाऊंगा। तेरे जड़ दांत निकल रहे। अरे क्यों होगा? लो बहन, बांधो इन्हें राखी। तो अभी से कितने रुपए देने सगुन के? अरे अब तो होगा तुझे मेरे ऊपर भरोसा? अब मुझे तुम पे भरोसा भी हो गया और मेरे दिल को तसल्ली भी मिल गई। ज्यादा तो हम दोनों बहन भाइयों के लिए नाश्ता बना के ला, घनी भूख लग रही है। नाश्ता नहीं बनाऊंगी, अब तो मैं अपनी ननन को खाना खिला के विदा करूंगी। 5 मिनट रुको, मैं अभी आई। जी आराम आराम से चलाओ। अरे कैसे सुनाई ना दे रहे के तुम्हारे कान बंद है के? अरे सब्बो, मुझे लग रहा है मेरे कान में मैल भरिया, इसलिए मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रिया। कल्लू कलमेनिया के रहते हुए किसी को सुनाई ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुल्ला जी तुम बेफिक्र रहो, थारे कानों की सफाई मैं करूंगा। बजा, अरे मैं नहीं करवा रही अपने कान की सफाई, बजा अपना हिला दे। मुल्ला जी कैसा ना करवावेगा सफाई, सफाई तो तुझे करवानी पड़ेगी। राज्य में करवावेगा ठीक है, ना तो ढींगा जस्ती करवावेगा। आओ रुको, अबे रुक जा, अबे छोड़, अबे रुक जा, अबे छोड़ दे, अबे रुक जा, अबे मैं कह दिया हूँ छोड़ छोड़, अबे रुक जा कान फूट जाएगा, अबे मैं कह दिया हूँ छोड़ दे, अरे रुक जा। मैं साले शेख चिल्ली के साथ जबरदस्ती कर रहा, अबे जानता नहीं है शेख चिल्ली कितना खतरनाक आदमी है। अबे तेरी भसरी पे लपाटे मार मार के ना तेरी भसरी का भटूरा बना दूंगा। अच्छा तू कल्लू कलमेनिया की शिकल का भटूरा बनावेगा, तेरी यू हिम्मत, ले बने ये भटूरा। अरे छोड़ो।
हे अल्लाह सत्यनाशी, तूने मेरे ही जड़ दिया। हे सुअर के बच्चे, तूने मेरे ही मार दिया, अभी बताती तुझे। सुअर के बच्चे मेरे मार रहा है। दरोगा जी, यहाँ बाइक कैसे रोक दी? अरे यहाँ मुझे अपना एक जरूरी काम याद आ गया। हाँ, यहाँ खेतों में कौन सा जरूरी काम याद आ गया? हमें तो चौकी चलना था। अरे क्यों इंक्वायरी की फुप्पी बन रही है, मुझे बहुत जोर की सूसू लग रही है। तू एक बार परे को मुंह करके खड़ी हो जा, मैं सूसू कर लूँ। ठीक है। शांति, हाँ जी, जो खेत में से निकल के जा रहा। दरोगा जी, मुझे देखने में तो इंसान सा लग रहा। ओ बावली भेड़, नू तो मुझे पता इंसान है, पर मुझे तो ये अपराधी सा लग रहा। यू हमें देख के ऐसा भगा जैसे बिल्ली को देख के चूहा, और इसके हाथ में थैला भी है। हाँ साहब जी, आप ठीक कह रहे हो, हो सकता है ये दो नंबर का आदमी हो और थैले में चरस गांजा हो। हाँ चल जल्दी चल, मोटरसाइकिल बैठी से पकड़ेंगे। अरे केले रहा इस थैले में, इस थैले में बैंगन है। अरे सर जी, यू तो आपसे नीडर होके बात कर रहा, मुझे तो लगे छटा हुआ बदमाश है। अरे साहब मैं बदमाश ना हूँ, मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ। साले जो तू शरीफ आदमी होता तो अपराधियों की तरह पुलिस को देख के क्यों भगा? क्या इस थैले में? अरे साहब इसमें थारे मतलब की चीज ना है, इसमें तो काली काली सी एक चीज है। दरोगा जी, काली काली तो अफीम होवे, इसका मतलब ये अफीम की तस्करी करता है। ओए दिखा ये थैला इधर, साहब देखो। अरे अरे यू किस डिजाइन की अफीम है? यू तो मुझे बैंगन जैसी लग रही। अरे दरोगा जी यू बैंगन ही है, मैं तो ईक के खेत में लैटरिंग करने आया था और एक बैंगन के पेड़ पे दो बैंगन दिख गए, सोचा घर जाकर सब्जी बनवा लियो। जैसे मैं इसे लेकर बाहर को आया मुझे तुम दोनों दिख गए और तुम्हें देख के मेरी भूख सरक गई। भाई पुलिस वाले जेबड़ी का सौप बना दे, मैं डर के भाग लिया। अरे भाई जब तुझे पता तू बैंगन ले रहा है तो तुझे मारे से डरने की जरूरत थी? साहब तारा कुछ पता नहीं, तुम इस बैंगन को बम बता के मुझे जेल भेज दो और मुझे 10 साल लग जाएंगे इसे साबित करने में, बैंगन एक बम। अरे साले बैंगन चोर, फ्री फंड में करवाती हमारी भाग दौड़, जा टड़ जा यहाँ से, नहीं तो दही काट दो तेरी। ले ठीक है साहब। जाएगा सितम यूं हम पे जमा, कौन करेगा रीस मेरे इस साते बाड़े की, कौन करेगा रीस मेरे इस साते बाड़े की। अरे क्या बात है, तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या? पूरे दिन फोन में घुसे रहते हो, फिल्म देखते रहते हो। साहब संतराम बंजारे की फिल्म देख रहे थे, टकराओ। बहुत बढ़िया साहब, तुम भी देखोगे तो मजा आ जाएगा। सर जी संतराम बंजारा तो घना ही गजब का कलाकार है, रोमांटिक डायलॉग भी ऐसे बोल रहे हैं जैसे शाहरुख खान। हाँ रोमांटिक डायलॉग बोलना कोई घनी बड़ी बात है, उससे अच्छा तो मैं बोल लूँ, कॉलेज टाइम में मैंने बहुत बोले रोमांटिक डायलॉग। तो दरोगा जी ऐसी बात है तो आज हमें करके दिखाओ एक्टिंग। हाँ दिखाओ तुम भी कोई रोमांटिक सा डायलॉग बोल के। अरे ऐसा थोड़ी ना हो एक्टिंग, रोमांटिक डायलॉग बोलने के लिए सामने हीरोइन भी तो होनी चाहिए, जब तो आओगी फीलिंग। अजी मुझे बना लो अपनी हीरोइन। तुझे मान लो हीरोइन, तुझे देख के तो मेरी बच्ची कुची फीलिंग खत्म हो जाओगी। साहब जी ठीक कह रहे हैं, बिना फीलिंग के ना होती एक्टिंग।
अरे तो शांति जी एक काम करो, तुम ही बन जाओ थोड़ी देर के लिए दरोगा जी की हीरोइन। ओ भाई इसकी गैल ना करूं मैं एक्टिंग, इसे तो मन्ने बहन बना लिया और राखी बंधवा रखी इससे। अजी राखी बंधवा के कौन सा ही उतारी सगी बहन होगी, थोड़ी देर के लिए मान लो इसे हीरोइन। मान लो के घिसरा। हाँ अच्छा तुम ना मानते तो लो दिखाऊं तुम्हें करके एक्टिंग। शांति जितना मैं प्यार तेरे से करूं ना उतना तो रांझा भी ना करता हुआ हीर से। आई लव यू मेरी जान। आई लव यू टू। हाय मेरी सुसरी लुच्ची। और आज तो गया यार। मेरी सौक तू तो असली वाली निकली, तूने तो वही काम कर दिया, दिन में भैया रात को सैया, राखी बंधवा के भी बाज नहीं आई। मैडम जी जैसा आप सोच रहे हो ऐसी बात नहीं है। तू चुप रह। यानी कि उस दिन जो तुमने सीन करा राखी वाला वो सब ड्रामा था, असली सच्चाई तो इस सीन में दिख रही है। राठी जी अब मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रहूंगी, आज कर दूंगी मैं तुम्हारा इलाज। मैं तो फोन भी अपना घर भूल आई। फोन दो इधर अपना। के करेगी फोन का? फोन दो इधर। पापा को लगाती हूँ फोन। अरे 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 उन्हें क्यों फोन मिला रही तू? जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ ना है, हम तो बस एक्टिंग कर रहे थे। हेलो पिताजी आप आज ही मेरे घर आ जाओ। क्या हो गया बेटा क्या दिक्कत है? मैं अब सुनील के साथ एक पल नहीं रहूंगी। क्यों? अगर आज आप नहीं आए तो मैं जहर खा के आत्महत्या कर लूंगी। बेटा ऐसा मत करियो हम आ रहे हैं। दरोगा जी आप टेंशन मत लो, हम तीनों मिलके मैडम से बात करेंगे। अजी उनकी सारी गलतफहमी दूर कर देंगे, हम आज घर चल गए। अजी मैं थारी सारी राड़ी खत्म करवा दूंगा। अरे के घंटा राड़ खत्म करवा दोगे तुम यार, तुम्हें नहीं पता मेरा साड़ा कितना खतरनाक इंसान है, रिटायर फौजी है, आज तो मेरे घर का नाश होना निश्चित है। मुझको तेरी याद जो आई जागा दर्द पुराना, तेरी याद आ गई, तेरी याद आ गई। बेटे मैंने तेरी सारी कहानी फोन पे सुन ली है और सारी चीजें मैंने तेरी अच्छी तरह से सुन के तेरे नाना को बता दिया और सारी समस्या का समाधान आज करके जाएंगे। मैं बैठा हूँ, मैं इन्हें भी देख लूंगा औरों को भी देख लूंगा, तू परेशान मत हो। पिताजी ये इनकी गलत बात है, दरोगा होने का यू तो ज्यादा फायदा उठा रहा है, आज हम अपनी बहन का दुख नहीं देख सकते, मैं इसका आज इलाज बांध दूंगा बिल्कुल ही, मैं छोड़ दूंगा नहीं इसे बिल्कुल। रुक भाई रुक। बेटा चिंता मत कर, एक गलत काम कर रहा है, अब हम आ गए हैं। पिताजी उसे फोन करके जल्दी बुलाओ। राम राम जी। आज तो केड़ा ही खाड़ा जुड़ता दिखे मेरी जान को। बेटे राठी मुझे लग रहा है तेरे आगे लाठी। आपकी इजाजत तो बैठ जाऊं जी। बैठ जाओ। सुनील बेटा जो बात सविता ने बताई क्या ये सच है? अजी सच है ये,
जब भी तो सविता हमारी बहन ने हमें यहाँ बुलाया, हम इसीलिए तो बैठे यहाँ पे, नहीं तो अपने घर का अनाज कौन करना चाहेगा, ये बताओ आप। बात ऐसी है पिताजी, जो सविता ने आपको बात बताई है ना, उसमें आधी बात सच्ची है और आधी इसकी गलत फहमी है। इस नकटी का हाथ पकड़ के आई लव यू बोलते हो, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है, अब कह दो ये बात झूठ है। तू झूठ ना बोली, तू सच बोल रही है। आई लव यू तो मैंने ऐसे बोला था, पर मैं तो अपने सिपाहियों को एक्टिंग करके दिखा रहा था। बात सुनो जी, आप भी विस्तार में। थोड़ी देर के लिए मान लो इसे हीरोइन। मान लो क्या घिसरा? हाँ अच्छा, तुम ना मानते तो लो दिखाऊं तुम्हें करके एक्टिंग। शांति, जितना मैं प्यार तेरे से करूं ना, उतना तो रांझा भी ना करता हूँ हीर से। आई लव यू मेरी जान। आई लव यू टू। अगर अब भी आपको मेरी बातों का विश्वास ना हो रहा हो तो अब आपको मेरे सिपाही बताओगे सारी बात। बताओ भाई के बात थी। अजी हमने ही मजबूर करा था इन्हें एक्टिंग करने के लिए, एन मौके पे ये मैडम जी आ गई। अब इन्होंने जो उस सीन देखे इन्होंने सच मान लिया, यहाँ हुई गड़बड़। होशियार चंद जी ठीक कह रहे जी। हाँ जी ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। दरोगा जी तो मुझे अपनी बहन मानते हैं और मेरी तो वैसे भी मंगनी हो चुकी है, मेरी तो 4 महीने बाद शादी होने वाली है। होगी जी बात क्लियर। सविता बोल, अब तो तेरी होगी गलतफहमी दूर? गलतफहमी तो मेरी दूर हो गई, पर जब तक यू हवलदारनी तुम्हारे साथ चौकी में ड्यूटी करेगी, मेरे मन में गुटर गुटर होती रहेगी। अब इस मसले का क्या हल करूं भाई, चल तू ही बता दे। पिताजी हमारी बहन सही कह रही है, इस मसले का हल ऐसे नहीं निकले। इस मसले का हल निकलेगा या तो सुनील अपना ट्रांसफर कहीं और करावे, या भी मैडम अपना कहीं और करवावे, तभी मामले की सल बैठेगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। भाई यूं तरीका सही बताया, इसका ट्रांसफर करवाओ। सुन भाई सुनील, तेरे से होता है करवा ले, ना होता है तो कप्तान साहब मेरे खास बैठे हैं, मैं जहाँ चाहूंगा वहाँ ट्रांसफर करवा दूंगा। बोल बेटा, अपना ट्रांसफर कराएगा या इस लड़की का ट्रांसफर कराएगा? दरोगा जी आप मेरा ट्रांसफर करा दो, और हो सके तो बालेनी थाने में करा दो, क्योंकि वहाँ पे मेरी जानने वाली सहेली है और उसके साथ मेरा मन भी लग जाएगा। ठीक है बहन, मैं तेरा ट्रांसफर बालेनी करवा देता हूँ, तू अपनी पैकिंग कर। हाँ भाई सविता, अब तो तू खुश है? हाँ अब मैं बहुत खुश हूँ भाई, अब तो ना किसी के मन में कोई शंका। हाँ जी मारे मन में है। क्या? जब इनका ट्रांसफर तुम बालेनी करवा रहे हो तो हमारे दोनों का भी इनकी गैर ट्रांसफर करवा दो, हमारा भी जी लग जाएगा। जाटनी मेरी जाटनी, हाय रे जाटनी। You are watching Sonodec Video.